पेपर लीक पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। सबसे पहले देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू, कल रात सरकार ने अधिसूचना जारी की। पेपर लीक करने पर 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ तक के जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है। 9 फरवरी 2024 को लोकसभा से यह बिल पास हुआ था। पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने कल इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पेपर लीक और परीक्षा के दौरान जो अन्य तरह की अनियमितताएं होती हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में नया कानून बनाया था। अब उसे लागू कर दिया गया। इस कानून के मुताबिक पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। शिक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई गई तो उस सेंटर को 4 साल तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। नए कानून के तहत DSP या ACP के पद पर उससे ऊपर के रैंक का अफसर ही परीक्षा के गड़बड़ी के मामलों की जांच कर सकेगा। साथ ही केंद्र सरकार के पास किसी भी मामले की जाँच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है। और विद्यार्थियों से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, CSIR UGC नेट परीक्षा को फिलहाल सरकार ने स्थगित कर दिया गया है। 25 से 27 जून के बीच होने वाली थी यह परीक्षा। परीक्षा स्थगित की वजह संसाधनों की कमी को बताया गया है और जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। सरकार की तरफ से यह साफ किया गया है। नीट पेपर विवाद के बीच 48 घंटे के अंदर 2 बड़े फैसले हुए हैं। कल CSIR UGC नेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई। इससे पहले बुधवार यानी 19 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून को हुई UGC नेट परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था और इसकी जांच CBI को सौंप दी गई। ये परीक्षा भी NTA कराती है और इसका आयोजन 25 से 27 जून के बीच होने वाला था। परीक्षा स्थगित करने की वजह संसाधनों की कमी बताई गई है। NTA ने बताया है कि लॉजिस्टिक कारणों से परीक्षा स्थगित की जा रही है और नई तारीख के बारे में जल्द ही वेबसाइट पर ऐलान किया जाएगा। परीक्षा स्थगित होने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। एक और NTA परीक्षा स्थगित, इस बार ये CSIR UGC नेट है। जाहिर है NTA युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी की ट्रॉमा एजेंसी बन गई है। CSIR UGC नेट परीक्षा 5 विषयों में साल में 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित की जाती है। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि इन सब के बीच देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुमार, अगर नए कानून की बात करें तो इससे कितनी मदद मिलेगी पेपर लीक को रोकने में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है रवि कि इस पूरे मामले में लटर कानूनी व्यवस्था और इन सभी का फायदा उठाकर पेपर लीक करने वाले लोग आराम से इसको कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड और 3 से 5 साल तक की सजा, कुछ मामलों में तो ये सजा का दायरा बढ़ाकर 10 साल तक की भी करने का प्रावधान है। तो ये जो प्रावधान है ये निश्चित रूप से एक सबक होगा और उससे भी बड़ी बात ये है कि जो कोई भी इसमें शामिल पाया जाएगा उसका एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, खास करके जब आप कोई नौकरी लेने जाते हैं, सरकारी नौकरी लेने जाते हैं, तो उसमें आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो अगर इस तरह की व्यवस्था में वो पकड़ा जाता है तो उसके बाद किसी भी तरह की सरकारी व्यवस्था में काम करने को लायक नहीं रहेगा। तो इस तरह की जो चीजें सरकार ने लागू की है, देर से की है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सोचते हो फरवरी में ये लागू हो गया था, बिल पास हो गया था, लेकिन नोटिफाई करने में इतने दिनों का वक्त लग गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 इसके फायदे हैं। एक तो अभी जो नीट का एग्जाम और तमाम तरह की चीजों में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है उसमें जो कोई भी चार्जशीटेड होगा वो नए कानून के तहत होगा, और दूसरा लोगों में डर जरूर होगा इस बात का ताकि आने वाले दिनों में किसी भी तरीके का काम। शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं नीट पेपर लीक पर बचे सियासी बवाल के बीच यूपी की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यूपी में हर तरह की परीक्षा और धांधली को रोकने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी।
सीएम योगी के निर्देश पर बनी नीति में तय किया गया है कि भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी 4 अलग अलग एजेंसियों की दी जाएगी। नई गाइडलाइंस में कहा गया है अब सभी अभ्यर्थियों को अपने गृह जनपद से बाहर परीक्षा देने जाना होगा। 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हुए तो एग्जाम 2 पाली यानी स्ट्रीमों में करवाया जाएगा। इसके अलावा रिजल्ट में गड़बड़ी रोकने के लिए ओएमआर शीट को स्कैनिंग परीक्षा कराने वाले आयोग और बोर्ड में ही कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र के लिए भी सख्त मानक तय किए गए हैं। प्रश्न पत्र पर भी अब कोडिंग रहेगी। और इस बीच बिहार में टीईटी की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 26 से 28 जून को होनी थी टीईटी की परीक्षा, एक दिन में 2 परीक्षा होने के चलते यह फैसला लिया गया। 28 और 29 जून को हेड टीचर भर्ती परीक्षा भी होनी है। नीट यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद बिहार में 26 जून से 28 जून के बीच आयोजित होने वाली बिहार टीईटी परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि एक ही दिन 2 एग्जाम पढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया। दरअसल 28 और 29 जून को बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से हेडमास्टर के पदों पर नियुक्ति के लिए भी परीक्षा होनी है। इसी कारण बिहार में सक्षमता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक अगले 2 दिनों के अंदर नई टीईटी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। शिक्षक संगठनों ने टीईटी और हेडमास्टर के पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं की तारीख टकराने की वजह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से टीईटी की परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी। टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सरकारी टीचर बनने के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम है। ये एग्जाम हर राज्य के अलग होता है। बिहार में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाती है। और अब खबर नीट पेपर लीक कांड की। टीवी 9 के एक और खुलासे में ये जानकारी सामने आई है कि नीट का पेपर झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ था। पटना में मिले जले हुए प्रश्न पत्र में बुकलेट की कोड आधार पर यह खुलासा किया गया है। टीवी 9 संवाददाता रुपेश कुमार बिहार में नीट पेपर लीक से जुड़े तथ्य खंगालने में जुटे हैं। इस दौरान राजधानी पटना में मिले जले हुए प्रश्न पत्र झारखंड के हजारीबाग के होने के सबूत सामने आए। इस पड़ताल के दौरान पेपर लीक के तार रवि अत्री सोलवर गैंग से जुड़े हैं। रवि अत्री कौन है, जिसकी पेपर लीक में प्रमुख भूमिका है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इससे जुड़े सारे किरदारों को जान लीजिए। रवि अत्री के 3 गुर्गों का पता चला है। ये हैं अतुल वत्स, संजीव मुखिया और अंशुल सिंह। संजीव मुखिया के 3 करीबी हैं चिंटू, पिंटू और सिकंदर यादवेंदु। सिकंदर को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उसके नीचे अनुराग यादव, नीतीश कुमार और अमित आनंद हैं। सिकंदर यादवेंदु अनुराग यादव का फूफा है। अनुराग यादव के नाम से ही सिकंदर यादवेंदु ने गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाया था। दावे के मुताबिक इसके लिए सिकंदर के कहने पर तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव ने फोन किया था। तो कुल मिलाकर इस मामले में अब तक 11 किरदारों की एंट्री हो चुकी है। जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को चाहिए थी वो यहाँ से प्रोवाइड करा दी गई है, उनको दे दी गई है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, बाकी जानकारी वो देंगे आपको। तो रजिस्टर, वो लेटर, बाकी सारी चीजें वो ले, सारी चीजें उनके पास है। बिल्कुल। पेपर लीक केस में मुख्य आरोपी रवि अत्री फिलहाल मेरठ जेल में बंद है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक करवा चुका है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ये चिंटू पिंटू कौन है और पेपर लीक में इनकी भूमिका क्या है। ये तस्वीर बिहार में नीट पेपर लीक से जुड़े किरदार संजीव मुखिया की है। चिंटू और पिंटू का कनेक्शन इसी संजीव मुखिया से है। चिंटू और पिंटू की अब तक कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। पुलिस ने संजीव मुखिया, चिंटू और पिंटू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की है। चिंटू उर्फ बलदेव और पिंटू संजीव मुखिया के करीबी हैं। नालंदा में संजीव मुखिया के गांव के पास दोनों का घर है। नीट का पेपर सबसे पहले सोलवर गैंग के चिंटू के पास आया था। चिंटू और पिंटू ही पटना के अलग अलग ठिकानों से अभ्यर्थियों को लेकर लर्न प्ले स्कूल पहुंचे थे। चिंटू और पिंटू ने यहां सारी व्यवस्था की थी। 5 मई की सुबह करीब 9 बजे चिंटू के ही मोबाइल पर प्रश्न पत्र के उत्तर आए। चिंटू ने प्रश्न पत्र और उत्तर प्रिंट कर अभ्यर्थियों को रटने को दे दिए। इसके बाद सभी को कार से अपनी निगरानी में परीक्षा केंद्र तक छोड़ने की जिम्मेदारी भी चिंटू और पिंटू की ही थी। टीवी 9 के खुलासे के बाद बिहार से नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। फिलहाल बिहार की आर्थिक अपराध इकाई संजीव मुखिया के साथ चिंटू और पिंटू को तलाश रही है।
और नीट के पेपर लीक को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस अब इस मुद्दे को संसद में उठाने का पूरा प्लान तैयार कर चुकी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा वीडियो में कहा है कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए विपक्ष सरकार पर दबाव बनाना जारी रखेगा। राहुल ने नीट पेपर लीक विवाद को संसद सत्र में उठाने का वादा किया है। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है। राहुल ने नीट परीक्षा के कुछ छात्रों से गुरुवार को भी मुलाकात की थी। इस दौरान छात्रों ने अपने भविष्य की चिंता जताई थी। रेट है वो 40% से सीधा 400%। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कल तिहाड़ से रिहाई नहीं हो सकी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की बेल पर हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। निचली अदालत से मिली जमानत के बावजूद अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। आबकारी केस में केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में अपील की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट 2-3 दिन में ऑर्डर दे सकता है। तब तक उन्हें निचली अदालत से मिली बेल के आदेश पर भी रोक रहेगी, यानी जेल में उनकी रिहाई 2 से 3 दिन के लिए अटक गई। स्टे एप्लीकेशन की सुनवाई आज हो गई है, कोर्ट ने स्टे दिया है और उसके जजमेंट जो है 2-4 दिन में आ जाएगा। तो मेन आपने बिल को कैंसिल करने के लिए किया था, उसपे भी उसे नोटिस हुआ है। उसमें नोटिस हुआ है, उसकी सुनवाई बाद में। कुल मिला के इनकी इंटेंशन ये है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो जेल में है वो जेल में रहे, बाहर ना आए, ट्रायल शुरू ना हो। केजरीवाल की जमानत पर कल हाईकोर्ट में 5 घंटे तक बहस चली और इस दौरान ईडी ने दलील दी है कि फैसले में कहीं नहीं लिखा है कि वो PMLA के सेक्शन 45 के तहत दोषी नहीं है। बिना निर्दोष दोषी हुए उन्हें बेल नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बेल पर एक्सटेंशन मांगा लेकिन नहीं मिला। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बिना जमानत ऑर्डर अपलोड हुए ही ईडी कैसे हाईकोर्ट जा सकती है। वहीं बीजेपी कह रही है कि बेल कोई राहत नहीं है। रिपोर्ट देखिए। ये तो ऐसे हो गया, अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। ईडी मनगढ़ंत तरीके से तथ्यों को हमारे खिलाफ इकट्ठा कर रही है। ईडी मनगढ़ंत तरीके से जो कागजात वो अपने पक्ष में बनवाते हैं उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी कि दबाव में बयान लिए जाते हैं, गिरफ्तारियां की जाती हैं, सरकारी गवाह बनाए जाते हैं। बेल पर इतनी खुशी या बेल होने के आहट पे इतनी खुशी, बेल कोई राहत नहीं है। ये जो मूर्खों की जमात है, जो आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं, पूरी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। इन लोगों को कौन समझाए कि पहली बार जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी ने इन संस्थाओं का भारी दुरुपयोग किया है। इनकी प्रतिशोध की राजनीति और उत्पीड़न की राजनीति के हथियार बन गए हैं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। देखिए, ईडी हाई कोर्ट पहुंच गया और क्या सुन के हाई कोर्ट कह रहा है कि हम इसको सुनेंगे, अभी तो ऑर्डर ही नहीं आया। कल जब एक कोर्ट उनको बेल देती है तो ये लिखते हैं सत्यमेव जयते, और आज अगर एक कोर्ट स्टे दे रही तो इनको कानून बुरा लग रहा है। और दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और भी महंगी हुई है। सीएनजी की कीमतों में प्रति किलोग्राम 1 रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। आम आदमी को आज से महंगाई का एक और झटका लगा है। कई शहरों में आज से सीएनजी की नई कीमतें लागू हो गई हैं। ये बढ़ी हुई कीमत दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में लागू की गई है। सीएनजी पर महंगाई की मार, दिल्ली में सीएनजी 1 रुपए महंगी। दिल्ली में 75.09 रुपए प्रति किलो मिलेगी सीएनजी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी 1 रुपए तक महंगी। हरियाणा के रेवाड़ी में सीएनजी 79.70 रुपए प्रति किलो मिलेगी। गुरुग्राम, कैथल, करनाल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली में अब 80.08 रुपए प्रति किलोग्राम सीएनजी मिलेगी। हालांकि इस साल मार्च में सीएनजी के दाम में 2.5 रुपए की कटौती की गई थी,
उत्तर प्रदेश में इसी महीने लखनऊ, उन्नाव, आगरा और अयोध्या में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया था। अब यहां सीएनजी 94 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रही है। इससे पहले लखनऊ, आगरा, उन्नाव में सीएनजी की कीमत 92 रुपए 25 पैसे और अयोध्या में 92 रुपए 35 पैसे प्रति किलोग्राम मिल रही थी। और यूपी की फिरोजाबाद जेल में बंद कैदी की मौत पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। लोगों ने पथराव और आगजनी की, हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग कर दी। आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, उपद्रवी आगे आगे भागते रहे, पुलिस पीछे पीछे दौड़ती रही। कभी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कभी पत्थर का जवाब हवाई फायरिंग से दिया गया, लेकिन हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद की हैं। लोग इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि एक आरोपी की जेल में मौत हो गई। 20 जून की रात में आकाश की जिला कारागार में तबीयत बिगड़ी। पहले जेल में इलाज हुआ, लेकिन हालात बिगड़ने के बाद जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद जब परिजनों को शव सौंपा गया तो स्थानीय लोग शव लेकर हिमावपुर चौराहे पर पहुंच गए, वहां जाम लगाया, उसके बाद पथराव और आगजनी शुरू कर दी। यहां पे कुछ अराजक तत्व थे जिनके द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया गया, उनसे भली भांति पुलिस ने डील किया यहां पे। और दिल्ली में जल संकट को लेकर केजरीवाल सरकार के मंत्री आतिशी जल सत्याग्रह कर रही है। आरोप है कि दिल्ली को जरूरत के हिसाब से पानी नहीं मिल रहा है। आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि हरियाणा से कितना पानी मिलता है और अभी क्या हालत। देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट को लेकर कोहराम मचा है। अब तो दिल्ली सरकार की मंत्री पानी सत्याग्रह पर उतर आई हैं। आरोप है कि हरियाणा सरकार उनका हक मार रही है और केंद्र सरकार संकट के समाधान के लिए गंभीर नहीं है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक दिन पहले आंकड़ों के जरिए आरोप लगाया था कि पानी के संकट क्यों है। दरअसल दिल्ली को 1005 MGD पानी की जरूरत है। हरियाणा से 60% यानी 613 MGD पानी चाहिए। इसमें से 548 MGD मुनक कनाल और 65 MGD वजीराबाद बराज से आता है। यूपी से 257 MGD पानी आता है। 135 MGD पानी अंडरग्राउंड वाटर से आता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हरियाणा ने सबसे ज्यादा पानी रोका है, जिससे दिल्ली में त्राहिमाम मचा है। जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक दिल्ली को हरियाणा के मुनक कनाल से 16 जून को 548 MGD की जगह 488 MGD पानी मिला। 18 जून को 996 MGD पानी मिला। वजीराबाद कनाल से 16 जून को 65 की जगह सिर्फ 30 MGD पानी मिला। वहीं 18 जून को 65 MGD की जगह सिर्फ 17 MGD पानी मिला। यानी दिल्ली को 16 जून को 95 MGD और 18 जून को 100 MGD कम पानी मिला। दिल्ली सरकार का आरोप है कि 100 MGD पानी कम मिलने का मतलब ये है कि दिल्ली के 28 लाख लोग पानी से वंचित हो रहे हैं और इसी कमी की वजह से दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है। और उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज आंधी तूफान के चलते और बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन इसके चलते ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर कई पेड़ गिर गए, जिससे रास्ता बंद हो गया। पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान एक कार पेड़ की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। सूचना पाकर मौके पर SDRF की टीम पहुंची। बता दें कि शुक्रवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज बारिश और आंधी के चलते देहरादून मार्ग पर काली मंदिर के करीब एक पेड़ टूटकर मार्ग पर गिर गया। इस दौरान यहां से गुजर रही कार पेड़ की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि पेड़ का तना कार के बोनट पर गिरा, जिससे कार सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। केंद्र ने पेपर लीक और नकल रोकने के लिए नया कानून किया लागू। 9 फरवरी 2024 को लोकसभा से पास हुआ था। नए कानून में नकल करते पकड़े जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ के जुर्माने का है प्रावधान। CSIR UGC नेट की परीक्षा की गई स्थगित। 25 जून से 27 जून के बीच होने वाली थी परीक्षा। NTA ने कहा अपरिहार्य कारणों से परीक्षा की गई स्थगित। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द। CSIR UGC नेट की परीक्षा स्थगित होने पर कांग्रेस का बयान। NTA की एक और परीक्षा स्थगित। NTA युवाओं के लिए ट्रॉमा एजेंसी बन गई है।
बिहार में टीईटी की परीक्षा स्थगित, एक दिन में दो परीक्षा होने के चलते किया गया फैसला। बिहार में 26, 27 और 28 जून को होने वाली थी परीक्षा, 28 और 29 जून को होनी है हेडमास्टर के लिए परीक्षा। नीट पेपर लीक में नालंदा के चिंटू और पिंटू का नाम आया सामने। 5 मई को परीक्षा से पहले चिंटू के मोबाइल पर ही आया था पेपर। चिंटू ने प्रश्न पत्र और उत्तर अभ्यर्थियों को रटने के लिए दिए थे। संजीव मुखिया ने चिंटू और पिंटू को दी थी जिम्मेदारी। नीट पेपर लीक केस में बिहार ईओयू की जांच तेज। संजीव मुखिया और चिंटू पिंटू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। नीट पेपर लीक में अत्री गैंग का नाम आया सामने। यूपी पुलिस परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड रवि अत्री। पेपर लीक में रवि अत्री के गुर्गे अतुल और संजीव का भी नाम आया सामने। रवि अत्री पेपर लीक मामले में जेल में है बंद। तेजस्वी यादव ने नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की, कहा दोबारा परीक्षा कराए सरकार। विजय सिन्हा के आरोपों पर तेजस्वी यादव का पलटवार, बोले विजय सिन्हा के आरोप बेबुनियाद, सबूत हो तो कराएं जांच। बीजेपी के आरोप पर तेजस्वी की सफाई, कहा मेरा नाम घसीटने से नहीं होने वाला कुछ, पेपर लीक के किंग पिन पर होनी चाहिए कार्रवाई। यूपी में प्रश्न पत्रों की छपाई को लेकर नियम सख्त, पेपर छापने वाले प्रेस में मोबाइल ले जाने पर रोक। यूपी में गैर सरकारी मदद के स्कूलों और कॉलेजों को नहीं बनाया जाएगा सेंटर, प्रश्न पत्र में ही बारकोड और होगा क्यूआर कोड। यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला, परीक्षा केंद्र रेलवे और बस स्टेशन से 10 किलोमीटर से अंदर हो। यूपी में परीक्षा की जिम्मेदारी 4 अलग अलग एजेंसियों को दी जाएगी। 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होने पर 2 पालियों में परीक्षा हो। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सूत्रों का बड़ा खुलासा, झारखंड के हजारीबाग सेंटर से लीक हुआ था नीट का पेपर। पटना में बरामद जले पेपर के प्रश्न पत्र में छपे कोर्ट के आधार पर हुआ खुलासा, जांच जारी। नीट यूजी पेपर लीक पर मायावती का बयान, कहा पेपर लीक मामले में सियासत ठीक नहीं, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई। नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर राहुल गांधी का बयान, बोले मैं संसद में उठाऊंगा नीट मोहित धांधली का मुद्दा। यूजीसी नेट पेपर लीक की सीबीआई जांच जारी, शुरुआती जांच में 17 जून को नेट पेपर लीक होने की मिली थी जानकारी। नीट पेपर लीक मामले में पटना सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई, ईओयू को अगली सुनवाई में गेस्ट हाउस डायरी पेश करने को कहा। नीट विवाद में पटना में गेस्ट हाउस सुपरवाइजर से ईओयू ने की पूछताछ, तेजस्वी प्रीतम और सिकंदर के कनेक्शन को लेकर यह पूछताछ की गई। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा। आज पीएम मोदी से मिलेंगी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, द्विपक्षीय बैठक में होंगे कई समझौते। बजट से पहले आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ करेंगी बैठक, सुबह 11 बजे शुरू होगी मीटिंग। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कारोबारियों को राहत देने पर भी चर्चा संभव, जीएसटी एक्ट में नए प्रावधान जोड़ने की उम्मीद। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर और फर्टिलाइजर तक कई मुद्दों पर मंथन संभव। भर्तहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, बोली बुलडोजर वाली मानसिकता से उबर नहीं पाई है बीजेपी। कांग्रेस के बयान पर किरेन रिजिजू का पलटवार, कहा जनता ने विपक्ष की भूमिका की वो तय कर दिया है, कांग्रेस देश की जनता को गुमराह ना करे। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, हाईकोर्ट का फैसला आने तक तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे केजरीवाल। केजरीवाल की जमानत पर रोक को लेकर आम आदमी पार्टी का बयान, कहा कोर्ट के आदेश से जांच का किला ढहा, सबूत पेश नहीं कर पाई ईडी। केजरीवाल की बेल पर रोक को लेकर पत्नी सुनीता ने कहा केजरीवाल के साथ आतंकियों के जैसा व्यवहार हो रहा है, देश में तानाशाही बढ़ गई है। राज्यसभा में सदन के नेता बनाए जा सकते हैं जेपी नड्डा, लोकसभा सांसद बनने के बाद पीयूष गोयल ने दिया था पद से इस्तीफा। दिल्ली में जल संकट पर जल मंत्री आतिशी के धरने पर कांग्रेस का तंज, बोली जब सरकार ही धरने पर बैठेगी तो काम कौन करेगा। अमीरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पुष्पेंद्र वर्मा ने भरा नामांकन, नामांकन के दौरान सीएम सुक्खू भी रहे मौजूद। मध्यप्रदेश के अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार, 10 जुलाई को डाले जाएंगे वोट। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस को धमकी भरा ईमेल मिला। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने मंत्रियों के साथ की बैठक, बैठक में राज्य के बजट को लेकर चर्चा हुई। टीएमसी का कांग्रेस पर निशाना, कहा बंगाल में कांग्रेस के पास है संगठन का अभाव, हालात हो चुकी है खराब।
मुंबई में डिप्टी सीएम फडणवीस के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के प्रदर्शन पर मंथन हुआ। तमिलनाडु के कल्ला कुरिची में जहरीली शराब पीने से अब तक 50 लोगों की मौत, 85 लोगों को अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने वर्चुअली की बाबा बर्फानी की पूजा, 29 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा दोनों देशों में बढ़ती साझेदारी में उनकी भूमिका प्रशंसनीय है। भारत में चीन के नए राजदूत फिहोंग ने सीताराम येचुरी और डी राजा सिंह की मुलाकात। गलवान मामले पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा भारत चीन में तनाव के बीच बातचीत जारी। जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने तुअर दाल और चने की स्टॉक सीमा को बढ़ाया। यूएनएससी की बैठक में बोले पाक राजदूत मुनीर अकरम, अफगानिस्तान में अलकायदा और टीटीपी समेत कई आतंकी समूह सक्रिय। गाजा में राफा में इजरायली सेना के हमले में 25 लोगों की मौत। खेरसौन में यूक्रेनी सैनिकों ने किए हवाई हमले, रूसी सैनिकों के ठिकानों पर गाइडेड मिसाइल से बरसाए बम। यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकाने पर बड़ा हमला, यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को किया तबाह। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से रूसी ठिकानों पर मचाई तबाही, यूक्रेनी हमले में खाक हो गए रूसी टैंक। यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने पर अगले हफ्ते चर्चा संभव, ज़ेलेंस्की बोले यूरोप का हिमायती है यूक्रेन। पूर्वी सीरिया में बड़ा हवाई हमला, अरब अल बुकमल में ईरान समर्थित मिलिशिया को बनाया गया निशाना। सीरिया के होम्स प्रांत में रूस के सुखोई विमान के करीब पहुंचा अमेरिकी ड्रोन, रूसी पायलट की समझदारी से चला हादसा। ITF ने दक्षिणी लेबनान के 4 इलाकों में हिजबुल्ला के ठिकानों पर किए हमले। वेस्ट बैंक में हमले का नया वीडियो आया सामने, कल्किया में 2 फिलिस्तीनी लड़ाकों को मार गिराने का ITF का। इस बीच एक अहम खबर सामने आ रही, गुरुग्राम में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट से आसपास के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बॉयलर ब्लास्ट का CCTV फुटेज भी सामने आया है। ये तस्वीरें आप देखिए, जब बॉयलर फटा 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। गुरुग्राम की ये फैक्ट्री जहां बॉयलर फटा और उसके बाद देखिए कैसे आग लग गई इस फैक्ट्री के अंदर। लेकिन जब बॉयलर फटा उस समय की CCTV तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये देखिए, ये फटा है बॉयलर, ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, और उसके बाद दूर से तस्वीर जो ली गई आग लगने की, वो तस्वीर भी नजर आ रही है। अभी फिलहाल की ये तस्वीरें जहां पर इस वक्त मलबा हटाया जा रहा है। तो गुरुग्राम की ये घटना जहां फैक्ट्री का बॉयलर फट गया और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। हुती लड़ाकों ने नई स्पीडबोट तूफान 1 की तस्वीरें जारी। अमेरिकी वायुसेना ने किया बंकर बस्टर बम का परीक्षण। अमेरिकी राज्य मिनेसोटा के मिनियापोलिस में पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या। आर्कसस के फोर्डिस में बंदूकधारी ने किराने की दुकान के बाहर गोलीबारी की, 2 लोगों की मौत। अमेरिका के मिशिगन में बंद पड़े बिजली संयंत्र को विस्फोटक से उड़ाया गया। बाल्कन देशों में भीषण गर्मी के कारण गुल हुई बिजली। बोस्निया और क्रोएशिया में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। अल साल्वाडोर के में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, 19 की मौत। अमेरिका के ओहायो के लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। तुर्की में भारत के राजदूत वीरेंद्र पॉल की लंबी बीमारी के बाद निधन। फिरोजाबाद में बंदी के इलाज के दौरान मौत पर बवाल, घुसाए लोगों ने पथराव और आगजनी। पुरलिया में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, इनामी नक्सली समेत 9 माओवादी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में प्रेमिका की हत्या का शव ठिकाने लगाने जा रहा था प्रेमी, पुलिस को देखकर पी लिया तेजा। मध्य प्रदेश के धार जिले में लोगों ने महिला को सरेआम लाठी डंडे से पीटा, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। और ठाणे के फुटबॉल मैदान में खेल रहे बच्चों पर गिरा शेड, 6 बच्चे घायल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मुंबई के 4 छात्रों की डैम में डूबने से मौत। गुरुग्राम में सुरक्षाकर्मियों और सोसाइटी के लोगों के बीच मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने कारोबारी कमलेश कुमार के ठिकानों पर मारा छापा। सीएनजी की कीमतों में आज से 1 रुपए प्रति किलोग्राम की हुई बढ़ोतरी।
कोलकाता में आज सुबह 5वें गास्टिन प्लेस में आग, धुएं से भर गया पूरा इलाका। दिल्ली के नीलोठी गांव में हनुमान धर्मकांटा के पास फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मुंबई के अटल सेतु पर बनी सड़क पर दरारें पड़ने को लेकर गरमाई राजनीति। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने अटल सेतु का किया दौरा, पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। देवेंद्र फडणवीस बोले, अटल सेतु पर दरार नहीं, तस्वीरें अप्रोच रोड की हैं। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर का तबादला, अमरेंद्र सिंह सेंगर बनाए गए नए पुलिस कमिश्नर। आपात स्थिति से निपटने के लिए एनएसजी कमांडो ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में की मॉक ड्रिल, हाल में ही बम से उड़ाने की मिली थी धमकी। कठुआ रेलवे स्टेशन पर एसडीआरएफ ने की मॉक ड्रिल, सीपीआर और घायलों की मदद के लिए किया जागरूक। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में रेसिंग कर रहे 92 बाइकर्स गिरफ्तार। पुणे पोर्ष मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को मिली जमानत। असम में भारी बारिश से कई जिलों में आई बाढ़, अब तक 37 लोगों की मौत। यूपी और जम्मू में अभी और सताएगी गर्मी, पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में 24 जून और जम्मू में 25 जून तक लू चलने की चेतावनी। बिहार में अगले 2 दिनों में दस्तक देगा मानसून, 24 और 25 जून को कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई हिस्सों में जमकर हुई बारिश। गुजरात में मानसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने भारी बारिश की दी चेतावनी। और बुलेटिन में आगे वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं अमेरिका से आ रही इन तस्वीरों के साथ। अमेरिका के मिशिगन में बंद पड़ा पावर प्लांट को ध्वस्त किया गया है। प्रेट्रेन चैनल पावर प्लांट को विस्फोट से ध्वस्त किया गया है। 2022 में बंद हो गया था कोयले से चलने वाला यह पावर प्लांट। और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, बर्लिन में जर्मन डिफेंस फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। डाइहल मेटल एप्लीकेशन फैक्ट्री को इसमें भारी नुकसान पहुंचा है और फैक्ट्री में आग के पीछे रूसी साजिश की आशंका जताई गई। और तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, रूस की राजधानी मॉस्को में बवंडर का कहर, टॉर्नेडो से भारी तबाही, 40 से अधिक लोग घायल। चौथी वीडियो ब्रेकिंग का वक्त हो चला है यूपी के फिरोजाबाद में आगजनी और पथराव की तस्वीरें आई हैं सामने। जेल में बंद आरोपी की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा काटा, शव के साथ प्रदर्शन किया और पुलिस ने लोगों को कंट्रोल करने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग गुरुग्राम से, जहां पर गुरुग्राम की एक सोसाइटी में जमकर लाठी और डंडे चले हैं, कार से कुचलने की कोशिश की गई है। दरअसल कुछ लोग इस सोसाइटी में शराब पी रहे थे, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया, इसके बाद बहुत ज्यादा लोग नाराज हुए। अगली वीडियो ब्रेकिंग, असम में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 37 हुई। असम में बाढ़ से करीब 4 लाख लोग प्रभावित। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, यूपी के अमेठी में पाइपलाइन गोदाम में लगी आग। हर घर नल से जल योजना से जुड़ी पाइपलाइन में के गोदाम में आग लगी है और अमेठी के लोधवरिया गांव स्थित गोदाम में ये अग्निकांड।
आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, दिल्ली पुलिस मुख्यालय में मॉक ड्रिल, एनएसजी कमांडो और दिल्ली पुलिस का एक्शन, मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में यह मॉक ड्रिल की गई, ये देखिए तस्वीरें, यहां की सुरक्षा व्यवस्था को परखने जांचने के लिए यह मॉक ड्रिल की गई। अगली वीडियो ब्रेकिंग, दिल्ली के निलोठी गांव में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर है। अगली वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के मिनियापोलिस में गोलीबारी और आरोपी के हमले में पुलिस कर्मी समेत तीन की मौत, पुलिस कर्मी के बॉडी कैम में कैद हुई वारदात। और 11वीं वीडियो ब्रेकिंग, राफा में आईडीएफ के हमले में 25 लोगों के मौत की खबर है। इजराइल के हमले में 50 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। दो अलग अलग इलाके में लगे टेंट पर ये टारगेट करके हमला किया गया है। और 12वीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट ड्रिल की तस्वीरें आई हैं सामने। एयर टू एयर मिसाइल से संयुक्त अभ्यास किया गया है। जापानी सी में अमेरिकी फाइटर जेट से दागी गई है मिसाइलें। और 13वीं वीडियो ब्रेकिंग, B-2 बॉम्बर से अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास। यूएस ने दिखाई है बंकर बस्टर GBU-57 की ताकत। तस्वीरें देखिए कैसे इसका अभ्यास किया गया है। और ये B-2 बॉम्बर से अमेरिकी सेना ने युद्धाभ्यास किया है। और 14वीं वीडियो ब्रेकिंग, खेरसोन में रूस यूक्रेन के बीच जंग और भी भीषण हो गई है। रूसी ठिकानों पर एरियल बमों से इस बार हमला किया गया है। यूक्रेनी अटैक में रूसी सेना को भारी नुकसान की आशंका जताई गई है। और 15वीं वीडियो ब्रेकिंग, लाल सागर में हमले तेज करेगा हुती। हुती विद्रोहियों की फिदाइन बोट फिलहाल तैयार हो गई है। यमन से हुती विद्रोही बढ़ाएंगे हमले। और अगली वीडियो ब्रेकिंग, 25 साल बाद चीन में सबसे भयंकर बाढ़। दक्षिण चीन में भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने ढाया कहर। अब तक 40 से ज्यादा लोगों की गई जान। अगली वीडियो ब्रेकिंग, खार्किव में रूसी सेना ने यूक्रेन पर किया बड़ा हमला। हमले में 70 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर। रोस्टोव-ऑन-डॉन में लगी भीषण आग, शहर के ऊपर छाया धुएं का काला बादल। अल साल्वाडोर में बारिश से भारी तबाही। अब तक बारिश से 19 लोगों की मौत। तेज बारिश से कई घरों का को पहुंचा नुकसान।